खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले पंधाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत भगवानपुरा में महिला सरपंच कड़वीबाई, सचिव रामदास चौहान और रोजगार सहायक दिनेश रावत द्वारा शासन के आदेशों का पालन नहीं करते हुए अपनी मनमर्जी से पंचायत का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते जहां हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं ग्राम का विकास भी रुक गया है। हमारे विशेष संवाददाता सफीक खान ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए काम की राशि अभी तक नहीं दी है, वृक्षारोपण का भी भुगतान नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही संबल योजना का लाभ लेने के लिए भी हितग्राही चक्कर लगा रहे हैं। आवास प्लस के तहत प्रधानमंत्री पीएम आवास की जो फोटो खींची जा रही है, उसके लिए भी रोजगार सहायक द्वारा पात्र हितग्राहियों से 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसको संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम ने मनरेगा के तहत जो कार्य किए गए हैं उसकी जानकारी लेकर सोशल ऑडिट करने के लिए सचिव से दस्तावेज मांगे, लेकिन सचिव दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसके चलते जांच टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि आखिर ग्रामीणों की शिकायत पर कब कार्रवाई होगी और उनके किए गए कार्य का भुगतान सहित शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें कब मिलेगा। आप कौन से विभाग से आए? हम कलेक्टर द्वारा खंडवा जिले से आए। अभी कौन सी पंचायत में हो आप? भगवानपुरा पंचायत में। अच्छा, आपने क्या काम किया है अभी? हम सामाजिक अंकेक्षण के लिए आए हैं, हमें की मनरेगा के तहत जो भी कार्य हुआ है उनकी हम तहकीकात कर रहे, तो हमको ना आज 4 दिन हो गए, हमको उन्होंने कुछ भी दस्तावेज नहीं दिए। दस्तावेज पूछने पर पता चल रहा है कि पंधाना में ये तो हम आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, हम यहाँ से ला के देंगे, वहाँ से ला के देंगे, लेकिन 4 दिन हो गए, हमें अभी तक कोई दस्तावेज नहीं है हमको दिए। कितनी बार आ चुके हैं जी? बोले सचिव। हाँ मैडम, आप पंचायत में कितनी बार आ चुके हैं आप? हम ये हमारा 6 दिन का काम है, 6 दिन हमारा सत्यापन चलेगा और 1 दिन हमारी ग्राम सभा, 2 दिन हमारे दस्तावेज सत्यापन होता है, 2 दिन का भौतिक होता है, 2 दिन का भौतिक का है। वाउचर मस्टर रोल हम 2 दिन ये देखते हैं। तो हम आए यहाँ पे, हमने सचिव सरपंच से परिचय, उनका परिचय लिया, मेरे 2 साल से यहाँ से कुएं के पैसे भी जमा किए, वो कुएं जो नल आते हैं नल कपिल धारा कुएं, वो मेरे काम नहीं कर रहे, सचिव दोनों नहीं कर रहे। यहाँ पंचायत में कितनी बार आ गए आप? पंचायत में हमेशा आता हूँ, रोज ही आता हूँ मैं तो मेम्बर हूँ। सचिव मिलते हैं यहाँ पर? सचिव ये सहायक सचिव मिलता है, और वो सचिव तो अभी 2-3 रोज से आ रहा है बस। ग्राम सभा कितनी हुई है यहाँ? ग्राम सभा 1 भी नहीं हुई अभी, साल भरी की 1 भी नहीं हुई। क्या कहते हैं ग्राम सभा के बारे में? कुछ भी नहीं बोलते, अभी तो खबर ही नहीं देते बस। फिर भाई 15 अगस्त के दिन उन्होंने दस्तक देने घर गए थे बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? ममता सेन। कौन से गांव से हैं आप? भगवानपुरा। क्या समस्या है? सर मैंने खंती में काम करा था, 15 दिन मेरे को पेमेंट नहीं मिला, और पंजीकरण के लिए बिल के लिए हम भरने के लिए आते, हमको वहाँ से वापस पहुँचाते, 200 रुपए महीना बिल भी नहीं देते और पंजीकरण भी नहीं दे रहे हैं। पंचायत में कब से आ रहे हैं? पंचायत में तो 2-3 बार आ गए, मिलते ही नहीं, वो मेरे आदमी आते उसको भगा देते। सचिव भी आता है? सचिव भी नहीं मिलता और सरपंच कोई नहीं मिलते यहाँ। सचिव यहाँ पर कितने दिन से नहीं आया? सचू तो उसका पता ही नहीं, वो तो टाइम पे आता ही नहीं, कभी आता कभी 10 दिन में आता, 5 दिन में आता, 8 दिन में आता, ऐसा आता। कौन सी पंचायत से? भगवानपुरा। बताइए क्या समस्या है? पैसे नहीं मिले हमको अभी तक। कौन सी योजना में कहा है क्या? मतलब पौधे लगाए थे इसलिए। पौधारोपण में? हाँ। कितने पौधे लगाए थे? मजदूरी करते के, मतलब 21 दिन दाड़ी हमारी। 21 दिन का आपकी मजदूरी का पैसा है? हाँ, बाकी है। कितना पैसा बाकी है उसमें? 1 हफ्ता की। क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? वो बोलते हैं कि अभी पैसे नहीं आएगा, अभी तक नहीं आए। हाँ। नाम आया हुसीलाल। कौन सी पोस्ट पे आप? भगवान चपरासी का हिसाब से रहता हूँ मैं यहाँ पे। 11 से 5 बजे तक रहता हूँ। 11 से 5 बजे तक? हाँ। और जब भी मेरे को सहायक सचिव डांटता है, गाली देता है, दारू पीता है, और वहाँ चल के मेरे को बोलते हैं कि हम जब तक शाम तक रहेंगे तब तक रहना पड़ेगा। और सरपंच ने मेरे को 2500 रुपया कर दिया था ये 26 जनवरी पे, अगली 26 जनवरी। तो जब भी सचिव ने मेरे को 1500 रुपये दे रहा है, 4 महीना होगा जब भी, अभी राखी पे 1500 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये डाला पड़ा। पंचायत सिर्फ आप ही खोलते हो यहाँ पर? हाँ मैं ही खोलता हूँ, डेली खोलता हूँ 11 बजे से 5। पंचायत खोल के और साफ सफाई और पानी पिलाना, और शाम को ताला लगा के ताला लगा को चालू कर देते हो? बंद करता हूँ। सरपंच सचिव यहाँ नहीं आते हैं क्या? सचिव कल आए थे, परसों भी आए थे। हाँ, पहले बीच में नहीं आए थे, कम से कम 15-20 दिन नहीं आए। हाँ।